रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बड़ी ही मज़ेदार है। आज हम बना रहे हैं मसाला स्टफ्ड भिंडी फ्राई। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 350 ग्राम भिंडी ली है, जिसे ओकरा भी कहते हैं। इसे हमने अच्छे से धो के एक साफ कपड़े से इसे ड्राई कर लिया था, खुश कर लिया था, इसमें पानी बिल्कुल ना हो, और फिर इसे हमने काट लिया है टुकड़ों में। अगर भिंडी इस तरह छोटी हो तो उसे सिर्फ उसके आगे पीछे के हिस्से काट के उसे साफ कर ले, और अगर बड़े हो तो इस तरह उसके दो टुकड़े कर ले। चलिए अब हम इसके लिए मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये आप आपके जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, 3/4 टीस्पून नमक भी आप आपके जायके के हिसाब से डालें, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1.5 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, हमने इन्हें हल्का रोस्ट कर लिया है, 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे बेसन, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल। इन सारी चीजों को अब हम मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करके इसका मसाला बना लेंगे। मसाला हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे भिंडी में भर देंगे। हमने भिंडी को इस तरह चीरा लगा दिया है, तो हम एक एक करके इसमें अब मसाले की स्टफिंग कर देंगे। इसी तरह हम सारी भिंडी में मसाले की स्टफिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी मसाला ना भरें आप इसमें, हम इसे बाहर से भी कोट करेंगे आखिर में। हमने सारी भिंडी को अच्छे से स्टफिंग कर दी है, अब बाकी जो मसाला बचा हुआ है हम उसको अच्छे से बाहर से मिला देंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि बाहर से भी सारी भिंडी अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। हमने पैन रख दिया है, हम फ्राइंग पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें भिंडी डाल देते हैं। हमें भिंडी को थोड़ा सेपरेट फ्राई करना है, एक एक भिंडी को थोड़ा अलग करके, इसलिए हम ज्यादा नहीं डालेंगे इसमें। एक से दो मिनट फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमें इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो इसके बाहर का मसाला सारा जल जाएगा और अंदर का मसाला सारा कच्चा रह जाएगा। हमने इसे पलट दिया है, एक से दो मिनट में ये दूसरी तरफ से भी पक जाएगी। एक से दो मिनट बाद इसे चाहे तो आप दोबारा पलट दें। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी सेक चुकी है। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गई है, हमें इसे ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। एक मिनट के लिए हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और इसे ज़रा पलटते रहेंगे। भिंडी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी की भी जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। मसाला भिंडी फ्राई बनके तैयार है, हमने इसे डिश आउट कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, आप इसे जरूर ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना न भूलें।